सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, कहां से आई स्टील की बुलेट, हमले का क्या है चीन कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर पुलवामा हमले को दोहराया गया है। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हुए हैं जबकि 1 सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट ने ली है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आतंकियों ने राशन और ईंधन ले जा रहे सैन्य वाहन को निशाना बनाया था, लेकिन अब खबर है कि इस हमले के तार चीन से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि पुंछ आतंकी हमले में आतंकवादियों ने चीन में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल सेना और NIA अब चीनी कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चीन में बनी 7.62 mm की गोलियों से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। गोलीबारी में इस्तेमाल की गई चीनी गोलियां स्टील की बनी हुई थी। गौर हो कि PAFF जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है। पीपल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट 2019 में जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर उभरा था, तभी से ये देश भर में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। ये संगठन पहली बार 2019 में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सामने आया था। PAFF समय समय पर सेना और सरकार को कई धमकियां भी दे चुका है। साल 2020 में संगठन ने वीडियो जारी कर कश्मीर में इसराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने पर धमकी दी थी। दरअसल 23 और 24 मई को कश्मीर में G20 की टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए थे। उन्होंने कहा था सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को कोई मौका ना मिले। पाकिस्तान इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने की कोशिश करेगा, वो G20 समिट को देखते हुए हमें हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वहीं अब इस हमले के बाद सेना ने अपने बयान में कहा कि भीमबेर गली इलाके के पास दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने ट्रक में गोलीबारी की, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस हमले में घायल जवान को उन्हें राजौरी के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इसी साल 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।